हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 12 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो कैमरा ऑप्शन है, तो कैमरा ऑप्शन पे जाकर फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ करके फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं रेडमी फ़ोन के कैमरा ऑप्शंस पे जाकर। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको जाना है कैमरा आइकन्स पे। तो क्लिक करते जो फ़ोन का कैमरा हमारा इस तरीके से ओपन जाएगा। पर जो कैमरा हमारा पहले से ही फुल स्क्रीन पर है, तो हम इसको चेंजेस भी करते हैं। और आपका जो फ़ोन का कैमरा है तो इस जैसे स्मॉल साइज़ में है, तो स्मॉल साइज़ में है, तो उसको हम कैसे फुल साइज़ में कर सकते हैं फ़ोन कैमरा का फ्रेम को। तो सिंपली देख सकते हैं कि आपको थ्री लाइन्स पर जाना है, तो आपके पास ये फ्रेम साइजेस आ जाएंगे ऊपर। तो आपको फुल वाले साइज़ पर क्लिक करना है। जब आप फुल वाले साइज़ पर क्लिक कर दोगे, तो जो आपका कैमरा फ्रेम है कुछ इस तरीके से फुल साइज़ में हो जाएगा। और जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो फ़ोटो भी आपकी फुल साइज़ कैमरा में आ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से फुल साइज़ कैमरा का यूज़ करके भी फ़ोटो क्लिक वगैरह कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, और साथ में इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ में फ्रेम वगैरह साइज़ को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। 9.16 फ्रेम भी आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 9.3.4 से फ्रेम आपका इस तरीके से शो करता है। ये शो हो रहा है हमारे फ़ोन में, इसे टैप करते हैं शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप फ्रेम साइज़ इसको भी चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फुल साइज़ फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं और फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।